हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिन भी बच्चों का सपना था कि वो डिफेंस सेक्टर में जाके सर्विस करेंगे, उनके लिए मैं बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ, बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप सभी का तो आपका जो तैयारी का स्पीड है वो बहुत अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि फिर से ना GD की तरफ से एक और न्यू रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जैसा कि आपको पता था कि 23 के लिए वैकेंसी आ रही है, उसके साथ ना SSC ने नया कैलेंडर जारी करके 24 के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छी खुशखबरी दे दी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि SSC GD के तहत 2023-24 के अंदर टोटल कितना सीट पर वैकेंसी आएगा, सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगी, एग्जाम डेट क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज तो यही होती है। तो अगर आप भी इसको लेकर अगर थोड़े से भी हो सीरियस, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो चलिए अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया फ्रेंड्स, SSC GD कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो 23 के लिए तो ये वैकेंसी आने वाली थी, सबको पता है कि नवंबर में फॉर्म आ जाएगा। तो हम लोग एट लास्ट डिस्कस करेंगे कि 24 के लिए आपको कितना सीट्स वगैरह आने वाला है। चलिए, अभी जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए 50,000 के अप्रॉक्स आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। ये इतना सीट्स के लिए आपका जो फॉर्म फी लगने वाला है, जनरल OBC एंड EWS से 100 रुपीज एंड SC ST से 0 रुपीज लिया जाएगा। एज की लिमिट पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो अभी मैं 23 की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग बता देती हूँ। आपका एज कैलकुलेट होगा एज ऑन 1 जनवरी 2023। मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 23 ईयर्स रहने वाला है। रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, OBC को मिलता है 3 ईयर्स का एंड SC ST को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। तो जो 23 की वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई डेट आपका 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, लास्ट डेट टू अप्लाई 28 दिसंबर 2023 रहने वाला है। एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी गई है, डेट वाइज आ चुका है आपका एग्जाम डेट। फरवरी में स्टार्ट होगा और मार्च में आपका एग्जाम खत्म होगा। तो आपको लास्ट एग्जाम डेट नहीं देखना है, फरवरी में पेपर है ये मान के आपको अपनी तैयारी करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ और सारा सिलेबस खत्म करो। चलिए अब देख लेते हैं सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया होने वाली है यहाँ पे। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। एट फर्स्ट क्या होता है, ऑनलाइन CBT, विच मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। सेकेंड होगा आपका फिजिकल, देन आपका मेडिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको डिटेल में देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं किन किन डिपार्टमेंट्स के अंडर SSC GD के थ्रू कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की जाएगी। आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है BSF, सेकेंड है CRPF, थर्ड असम राइफल्स, फोर्थ ITBP, फिफ्थ आपका है SSV, सिक्स है NCB, सेवेंथ SSF एंड लास्ट आपका है CISF। ओवरऑल 8 डिपार्टमेंट्स के अंडर आपको SSC GD के थ्रू वैकेंसी रिक्रूट कराई जाती है। चलिए अब हम लोग आगे समझ लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस का, जो आपको डिटेल वे में है कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा, फिजिकल का प्रक्रिया क्या है, सब कुछ समझा देती हूँ आपको। एग्जाम एट फर्स्ट आपका होगा, तो पेपर में रहेंगे 80 क्वेश्चंस 160 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 60 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटे का पेपर रहेगा यहाँ पर। निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है फ्रेंड्स, 1/2, विच मीन्स कि 0.50 का निगेटिव मार्किंग होगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो रीजनिंग के लिए 20 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के लिए। GK and CA जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए होगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। इंग्लिश या हिंदी, मतलब दोनों में से जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे, उसके 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए रहेंगे। सो आई होप कि ओवरऑल आप एग्जाम की पैटर्न को समझ गए होंगे। 80 क्वेश्चंस 160 मार्क्स, टाइम 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के पेपर में 80 प्रश्न 160 मार्क्स के लिए होगा। चलिए आगे हम लोग सेकेंड स्टेज समझ लेते हैं कि फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट होती है। हाइट की जब बात होती है ना, मेल के लिए एसटी कैंडिडेट मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर एंड अदर्स 170 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए एसटी कैंडिडेट्स का मिनिमम 150 सेंटीमीटर एंड अदर्स का रहेगा 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। एसटी कैंडिडेट 76-81 सेंटीमीटर एंड अदर्स का 80-85 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके बाद ना पीईटी होती है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग होती है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, मतलब 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट्स को। 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, मतलब कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में खत्म करना होता है फीमेल्स कैंडिडेट को। उसके बाद जो आपका होता है फ्रेंड्स, आपको आपकी जो डीवी होती है, मेडिकल होती है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होने वाला है। तो एग्जाम ना आपको आपके नियर बाय सिटी में देना होता है, आपको सिटी चूज करना होता है, वहीं पे आपको सेंटर देता है। 3 सिटी आप चूज करते हो, जैसा एसएससी का बाकी एग्जाम आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। और जो आपका होगा ना कि आपको सर्विस कहाँ पे करना होगा, तो ऑल इंडिया के अंडर आपको जहां पर भी आपके डिपार्टमेंट के थ्रू बोला जाएगा सर्व करने को, वहां पे आपको सर्व करना हो सकता है। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ, अब सर्विस की बात आई है तो सैलरी भी समझा देती हूँ, इससे आपका मोटिवेशन जो है हाई हो जाएगा। तो सैलरी की अगर बात करें तो एनसीबी की पोस्ट के लिए मिनिमम 18,000 एंड मैक्सिमम 56,900 रुपीस की सैलरी दी जाती है। मतलब कि शुरुआत होगी 18,000 से, आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस इंक्रीमेंट आपका सैलरी हो जाता है 56,900 रुपया। अदर बाकी जो भी आपको डिपार्टमेंट है उसके अंडर स्टार्टिंग होती है 21,700 रुपीज से, एंड आफ्टर आपका इंक्रीमेंट आपकी पर मंथ की सैलरी हो जाती है 69,100 रुपीज। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जिस खुशखबरी के लिए हम इस वीडियो को अब हमने आपके बीच लाया है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। एसएससी ने न्यू कैलेंडर जारी किया है। आप सभी को पता होगा कि ये जो मैंने आपको डिटेल बताया है, ये आपको 2023 की वैकेंसी के रिगार्डिंग बताया है। और बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे बीच आ चुकी है, क्योंकि 24 के लिए भी ना सीट के साथ डेट वगैरह सब अनाउंस कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो न्यू वैकेंसी का जो डिटेल है वो इस प्रकार से फ्रेंड्स, कि आपका जो फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है 27 अगस्त से होगा और लास्ट डेट 27 सितंबर रहेगा 2024 के लिए। उसके बाद आपका जो पेपर होगा दिसंबर 2024 से लेके जनवरी 2025 के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी जब 2024 में आएगी तो अभी से क्यों इन्फॉर्म कर रही हो। अभी से आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को ना और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर लो। जब अभी आपको 50,000 के अप्रॉक्स सीट्स आएगा तो ज़रूरी है उस टाइम पर भी आपका 20,000 से 30,000 मिनिमम सीट पर वैकेंसी आएगा। तो तैयारी अच्छी रखोगे तभी तो आप अपने एक सीट अचीव कर पाओगे। और जैसा आप सभी को पता है कि अभी इलेक्शन होने वाला है, तो अभी एक अच्छा मौका है। अगर आप अभी एक सीट अचीव नहीं कर पाओगे ना, तो बाद में फिर कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर टेस्ट वगैरह लगाओ और अच्छे से तैयारी करो, ताकि एक सीट आप 2024 में अपने लिए डिजर्व कर पाओ, अचीव कर पाओ। और अगर मैंने जो आपको डिटेल समझाया है वो समझ आ गई होगी तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को आप पूछ लेना। और ये जो अभी न्यू कैलेंडर जारी किया गया है, और इस जो अभी जीडी का वैकेंसी आने वाला है, सबका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, सबका लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को भर भर के लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करो ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि सारी जरूरी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।